बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह ताला आपके लिए ये रमज़ान जो है वो बरकत वाला करे जी। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं। सो आर सब्जेक्ट इज़ बेसिकली लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स। सो लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना था कि क्या असल में लैंग्वेज क्या है। सो नाउ टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स एंड व्हाट इज़ द ब्रांचेस एंड स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले हम प्रिसाइजली देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स है क्या। लिंग्विस्टिक्स दो लफ्ज़ों से मिल के बना है, ठीक है, लैंग्वेज और एस्टिक्स। अब लैंग्वेज इज़ अबाउट लैंग्वेज। जब भी हम लैंग की बात करते हैं तो ये लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज को जाहिर करता है। एस्टिक्स इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी। तो लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज। इट इज़ द सब्जेक्ट हुज प्रैक्टिशनर्स डिवोट देयर एनर्जी टू अंडरस्टैंडिंग to understand why human language is the way it is। अब linguistics के जो practitioners हैं उनको हम कहते हैं linguists। linguists basically करते क्या हैं? they devote their energy to understand the human language। हमने ये पहले ही बात की थी कि language जो characteristics है वो human की है। humans की स्पेसिफ़िकली जो भी कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ करते हैं, वो स्पोकन हो या रिटन हो, उसको हम सिस्टम को क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। तो ह्यूमन लैंग्वेज को जब स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज कैसे है, क्यों है, ये सब किसके अंदर आता है? आपकी लिंग्विस्टिक्स के अंदर। दे स्टडी द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेज कहाँ से जो है वो स्टार्ट टू इमर्ज हुई, क्या उसमें एवोल्यूशन हुआ वक्त के साथ साथ, ये सब कुछ। एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप कैसे एक्वायर करते हैं, बेसिकली ये भी एक लिंग्विस्टिक की फील्ड है। क्या हम ये पढ़ते हैं कि साइको लिंग्विस्टिक्स में एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की कि ह्यूमन बींग्स कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या है, हमने बात की थी कि हर लैंग्वेज के जो हैं वो रूल्स होते हैं, वो रूल्स किसके होते हैं, उसके स्ट्रक्चर पर अप्लाई होते हैं। उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, अरेबिक की बात करते हैं, हर लैंग्वेज का एक फॉर्म होता है। फॉर्म क्या होती है, उसकी फोनोलॉजी क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, ये मिल के बनाते हैं उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बेसिकली। और ये स्ट्रक्चर जो है रूल्स होते हैं, ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं वो भी किस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं, लिंग्विस्टिक्स के अंदर। एंड यूज़ ऑफ एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। सो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स क्या है, साइंस ऑफ लैंग्वेज है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज है, कि जब भी हम लैंग्वेज को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, साइंस की, लिंग्विस्टिक्स। तो अब हमने सबसे पहली बात पहली स्लाइड में क्या की है कि लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंस, लिंग्विस्टिक इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, लिंग्विस्टिक इज़ द वे वी स्टडी द लैंग्वेज साइंटिफिकली। तो अब हम देखते हैं साइंटिफिक स्टडी क्या है। साइंटिफिक स्टडी, जब भी हम बात करते हैं कोई चीज़ साइंस है, साइंटिफिक स्टडी है या साइंटिफिक वे है, तो ये क्या होती है, पहली चीज़ में लिखी हुई है कि साइंटिफिक स्टडी या साइंस इज़ ऑलवेज़ एम्पेरिकल एंड ऑब्जर्वेबल। एम्पेरिकल क्या है, एम्पेरिकल मीन कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस, जो भी चीज़ हमारे पास वेरीफाइबल होती है, ठीक है, इट मीन्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जब भी हम किसी फिनोमिना को अपनी सेंसेस यूज़ करते हुए स्टडी करते हैं, हम ऑब्ज़र्व कर सकें, हम किसी फिनोमिना को वेरीफाई कर सकें, तो उसे हम कहते हैं कि वो एम्पेरिकल है। तजर्बाती बुनियादों पर जब भी हम एनालाइज़ करते हैं अपने फिनोमिना को,
तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज़ ऑब्जर्वेबल, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो साइंटिफिक मेथड में हम चीज़ों को या एक्सपीरियंस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ फॉलो साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि हम जब भी किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ हम कैसे करते हैं कि हम फॉर्मुलेशन करते हैं अपने हाइपोथेसिस की, हम उसको जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस आ जाता है, फिर हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस के डिफरेंट, कोई भी हम मेथड हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, बट जो सीक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड है या जो भी ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें साइंटिफिक मेथड फॉलो करता ही करता है, उसमें सबसे पहले फॉर्मुलेशन है, टेस्टिंग है, मॉडिफिकेशन है, ठीक है, एंड देन वी ड्रॉ द कंक्लूजन। तो बेसिक स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड को अगर आप पूरा करते हैं जिसमें, उसे हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। हमारा साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उनमें यह है कि हमारे पास पहले कोई क्वेश्चन होगा जो आंसरेबल क्वेश्चन होता है, या हमारा कोई पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, हम वो डिटरमिन करते हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं, फिर हम एक हाइपोथेसिस उससे फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, और हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, अपने हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं उसकी बुनियाद पे, या हम अपने क्वेश्चन को आंसर करते हैं, या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स का जो भी रिज़ल्ट है वो निकालते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर या जो आपके बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम साइंटिफिक मेथड में फॉलो करते हैं। तो जो साइंटिफिक स्टडी है वो ऑलवेज़ फॉलोज द साइंटिफिक मेथड। थर्ड पॉइंट है जी, साइंटिफिक स्टडी डिस्क्राइब्स नॉट प्रिस्क्राइब। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली हम किसी चीज़ को, किसी फिनोमिना को नरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो जैसा है हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, हम उसे प्रिस्क्राइब यूजुअली नहीं करते। नेचुरल साइंसेज में हम क्या करते हैं कि नेचर में, साइंसेज में जो भी फिनोमिना है हम ये बताते हैं कि वो कैसे है, ठीक है, क्यों है, कैसे है, क्या है, कैसा होना चाहिए हम ये नहीं कहते, ठीक है। व्हाट इट इज़, द वे इट इज़ लैंग्वेज, ये हम स्टडी करते हैं तो ये साइंटिफिक स्टडी है। इसको कैसा होना चाहिए ये प्रिस्क्रिप्टिव है, ये हम नहीं करते। तो साइंटिफिक स्टडी की थर्ड चीज़ ये है कि इट इज़ डिस्क्रिप्टिव नॉट प्रिस्क्रिप्टिव। लैंग्वेज क्या है, अब हमने कहा है कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो साइंटिफिक स्टडी हमने देख लिया क्या होती है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज। पहले हम डेफिनेशन बहुत डिटेल्स में लैंग्वेज की डिटेल डेफिनेशंस कर चुके हैं। द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन ईदर स्पोकन और रिटन। अब यहाँ ये अहम पॉइंट है, इसको जहन में रखिए कि ह्यूमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज दोनों तरह से हो सकती है, कि ईदर बाय स्पोकन हम अपने एक्सप्रेशन कर रहे हैं, आइडियाज़ को, नीड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और बाय रिटन फॉर्म्स, बोथ आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन लैंग्वेजेस कंसिस्टिंग ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। ये हमने पहले भी कहा था कि लैंग्वेज वो है जो फॉलो करती है स्ट्रक्चर को, रूल्स को, और दूसरी क्या होती है, लैंग्वेज इज़ ऑलवेज कन्वेंशनल। लैंग्वेज जो है वो हम रिवायती तरीके से एक्वायर करते हैं। अब यहाँ पर स्पोकन और रिटन बोथ आर कंसर्न। अब इनको, या रिटन लैंग्वेज को या स्पोकन लैंग्वेज को, दोनों को जब साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो दोनों हमारी लिंग्विस्टिक्स में आते हैं। तो लिंग्विस्टिक डील करती है ह्यूमन लैंग्वेज को, बोथ स्पोकन ह्यूमन लैंग्वेज को और रिटन लैंग्वेज को, तो बोथ आर द फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो वी कैन कंक्लूड सिंपली that linguistic is the branch of science that deals with the study of language, ठीक है। तो definition क्या है linguistics की, it is the study of language।
नाउ वी कम टू द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स. अब स्कोप बेसिकली क्या होता है कि व्हाट आर द एरियाज वेयर लिंग्विस्टिक्स कैन बी अप्लाइड. सिंस लैंग्वेज एंटर्स इनटू ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, द एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस कैन बी एक्सट्रीमली ब्रॉड, encompassing almost any area where language is a practical concern. हमने जब functions of language पढ़े थे और हमने characteristics of language पढ़ी थी तो हमने वहाँ देखा था कि almost every area of human lives उसमें आपकी language का अमल दखल है. ठीक है, हमारी ज़िंदगी का कोई भी aspect ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें लैंग्वेज की ज़रूरत ना होती हो या लैंग्वेज इंटरफेयर ना करती हो. तो देर आर मैनी फील्ड्स वेयर लैंग्वेज कैन इंटरफेयर. नंबर वन इज़ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग. अब लिंग्विस्टिक्स हमारी कहाँ कहाँ किन फील्ड्स में यूज़ हो सकती है. सबसे पहले लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग. आप देखें, आप आइल्स करती हैं, ठीक है. बेसिकली आइल्स क्या है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं, उसमें क्या है, आपकी लैंग्वेज का अमल दखल है. आप एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं. फिर कोई भी आप न्यू लैंग्वेज सीख लें तो आपको उसमें लिंग्विस्टिक्स जो है वो अपना रोल प्ले करती है. हमने अरेबिक सीखनी है, हमने चाइनीज सीखनी है, हमने पर्शियन सीखनी है. न्यू लैंग्वेज लर्निंग में आपको रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, हम किसी लैंग्वेज की ग्रामर सीखते हैं, उसकी वोकैबुलरी सीखते हैं, ठीक है. तो हमें लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग बोथ में जो है वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस स्टडीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं. फिर लैंग्वेज इन न्यू टेक्नोलॉजीज़. टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है. इस वक्त जो है वो लैंग्वेज का रोल जो है वो सिमिलरली इन टेक्नोलॉजीज़ भी है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ में उतना ही ज़्यादा है. राइटिंग सिस्टम्स हम डिफरेंट डिवेलप करते हैं, उसमें आपकी लिंग्विस्टिक्स का रोल है. फिर डिक्शनरीज़ बनाते हैं, ठीक है. वोकैबुलरी, आपकी मीनिंग्स, ट्रांसलेशंस, आपने एक किताब को दूसरी किताब में दूसरे लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करना है, दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट करना है. लैंग्वेज इश्यूज़ हमारे जो हैं डिफरेंट, ठीक है, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, तो लिंग्विस्टिक्स की जो भी साइंटिफिक मेथड अप्लाई होता है वो आपका. फिर मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़. मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ मीन वेयर मोर देन टू लैंग्वेजेस आर यूजिंग. बायलिंगुअल मीन टू लैंग्वेजेस, एंड मल्टीलिंगुअल मीन्स वेयर मोर देन टू लैंग्वेजेस आर यूज्ड. लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टीज़, ठीक है. डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सोसाइटीज़ में, जैसे मल्टीलिंगुअल कल्चर्स हैं, जो भी लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टीज आती हैं उसमें एक एरिया है. कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सोशल, कल्चरल एंड एथनिक ग्रुप्स, ठीक है. अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में जब कम्युनिकेशन की बात हो, दो अलग कल्चर्स में, मुख्तलिफ मल्टी कल्चर्स में कम्युनिकेशन की बात हो, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में कम्युनिकेशन की बात हो, सॉरी, तो वहाँ भी लिंग्विस्टिक अपना रोल प्ले करती है. एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस. अब एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को स्टडी कौन, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस मीन कि जहाँ पर आपकी लैंग्वेज जो है वो ख़तरे से दो चार है, ठीक है, ख़त्म होने वाली है. एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस जो होती हैं, ठीक है, दुनिया में जो है वो अंदाज़े के मुताबिक 6,000 से 7,000 लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, ठीक है. बट इट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड के बहुत सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो इतने अरसे के बाद जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं, लैंग्वेजेस जो डेड हो रही हैं. जब एक लैंग्वेज के बोलने वाले उसको बोलना छोड़ रहे होते हैं या उसके बोलने वाले कम हो रहे होते हैं, तो ऐट द एंड क्या होता है कि वो लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में शामिल हो जाती है, ठीक है. एक दो माँ की लैंग्वेज है जो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोग अब बस बोल रहे हैं, और वो लैंग्वेज जो है पाकिस्तान की एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में शुमार की जाती है कि इट विल बी डेड. तो उन लैंग्वेजेस को जब आपने उनको बचाने की बात की जाए, उनके सर्वाइवल की बात की जाए, या उनको स्टडी किया जाए कि वो एंडेंजर्ड में शामिल हो रही हैं, कितने उसके बोलने वाले रह गए, नहीं रह गए, सारे इश्यूज़ जो हैं वो भी लिंग्विस्टिक्स जो है वो
उसमें अपना रोल प्ले करती है। फिर लिंग्विस्टिक इनपुट टू कंप्यूटर सिस्टम्स, अब आपने देखा कितनी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आ गई हैं, ठीक है, जावा आ गई है डिफरेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनको भी लिंग्विस्टिक स्टडी करेगी। लिंग्विस्टिक ह्यूमन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर इनपुट में कैसे डाल सकते हैं उसको स्टडी करती है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक इनपुट टू कंप्यूटर सिस्टम्स, ये भी इसका एक स्कोप है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक एक पूरा फील्ड है, एक ब्रॉडर फील्ड है, एक साइंटिफिक फील्ड है। हम उसको डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। मेजरली देयर आर टू ब्रांचेस जिनमें सबसे पहले आ जाती है आपकी माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, उनका नाम ही बता रहा है कि जो लैंग्वेज इट्सेल्फ अपने आप को स्टडी जहाँ कर रही होती है उसको हम माइक्रो कहते हैं, और जहाँ लैंग्वेज दूसरी फील्ड्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर रही होती है ब्रॉडर लेवल्स पर तो उसको हम कहते हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। तो देर आर सम ब्रांचेस ऑफ माइक्रो लिंग्विस्टिक्स विच इन्वॉल्व, सबसे पहले आप दरमियान में देख रहे होंगे फोनेटिक्स है, उसके बाद पिंक में फोनोलॉजी है, देन येलो मॉर्फोलॉजी, देन सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रिग्मेटिक्स। ये सब ब्रांचेस हैं आपकी माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की। और उसके बाद आप देखेंगे कि ब्लू एक आपको ब्रॉडर लेवल पे सबसे बाहर जो नज़र आ रहा है कि व्हेन हम लिंग्विस्टिक्स को अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, कंप्यूटेशनल में, अप्लाइड में, जब हम इस तरह से लैंग्वेज आपकी इंटरफेयर करती है या इनकॉर्पोरेट करती है विद डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ एट ब्रॉडर लेवल्स तो उसको हम कहते हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। सो मेन ब्रांचेस आ जाती हैं लिंग्विस्टिक्स की माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड्स फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स डील्स विद द कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इट्सेल्फ, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, उसकी जो रूल्स हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं विद इन अ लैंग्वेज तो वो हमारी क्या कहलाती है, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। अब मैक्रो लिंग्विस्टिक इंक्लूड्स सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। मैक्रो लिंग्विस्टिक डील्स विद द इंटर डिसिप्लिनरी फीचर्स इन ब्रॉडर सेंस, ठीक है, इनकी हम डिटेल्स देखते हैं। सो कोर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में सबसे पहले आ जाती है लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स से लैंग्वेज आते हैं। अब लैंग्वेज की कोर ब्रांचेस आप सबको मालूम है, हम इसे पहले भी कर चुके हैं और हम इंशाल्लाह डिटेल में इसे अगले लेक्चर में अलग अलग भी करेंगे। लैंग्वेज में हमारे पास सबसे पहले साउंड्स आ जाते हैं, साउंड मीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। देन आ जाते हैं हमारे पास वर्ड्स, वर्ड्स मीन हाउ वर्ड्स फॉर्मेट इन अ लैंग्वेज, वर्ड फॉर्मेशन। ये आ जाती है हमारी मॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर आ जाते हैं हमारे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का कहाँ पर आता है, हमारे सिंटैक्स में। देन कम टू द मीनिंग ऑफ दैट लैंग्वेज, जब भी हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो वो होते हैं हमके मीनिंग, सिमेंटिक मीनिंग। एंड मीनिंग में ही जब हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं, यूज़ ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस, तो वो आ जाती है आपकी प्रैग्मेटिक्स। सो दीज आर द कोर ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिन पे हमारा फोकस रहता है। अब आ जाते हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है। हम ये जानते हैं कि हमारी स्पोकन लैंग्वेज का या स्पीच का यूनिट क्या है, बेसिकली साउंड है। हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन वोकल ट्रैक, हाउ दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर एंड हाउ दे आर परसीव्ड बाय द लिसनर। इन सबको जो
स्टडी करते हैं हम, तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ब साउंड, या मैं कहती हूँ ल साउंड, ठीक है। अब एक साउंड बोलने में कैसे आपका स्पीच मैकेनिज्म क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप सबको पता है ब साउंड इज़ अ बायलेबियल साउंड। अब कैसे प्रोड्यूस होती है? हम रेस्पिरेट करते हैं, फोनेट करते हैं, हम आर्टिकुलेट करते हैं, फाइनली तब हमारी प्रोडक्शन ऑफ वन साउंड ब साउंड हो रही है। ये सब हम जिस फील्ड में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। फिर हाउ दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। अब साउंड आपने एक प्रोड्यूस की ब साउंड, ये साउंड ट्रांसमिट होती है। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? टू वे प्रोसेस है। एक आपका प्रोडक्शन ऑफ द साउंड होता है और एक आपका रिसीवर ऑफ द साउंड होता है। तो ये साउंड ट्रैवल करती है थ्रू द एयर, कैसे जाती है? एक साउंड की एक फिजिक्स होती है, ठीक है। हम उसको जब स्टडी करते हैं तो वो हम करते हैं अकूस्टिक फोनेटिक्स के अंदर। एंड हाउ दे आर परसीव्ड बाय द लिसनर। अब वो साउंड ट्रैवल करके जब ह्यूमन ईयर तक जाती है, लिसनर के कान में जाती है, तो आपका जो ऑडिटरी मैकेनिज्म है, हाउ इट इज़ परसीव्ड बाय द लिसनर, ये जब हम कहते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो वो किस में करते हैं? हम ऑडिटरी फोनेटिक्स में। सो इन सब की डिटेल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ने वाले हैं। ये आप माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की कोर ब्रांचेस कर रहे हैं। आगे हमारे इस हर एक पर जो अलग अलग लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इसकी हम डिटेल में करेंगे। तो अगर आपको इस वक्त थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन्स रह भी जाएंगी, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारी, जब हम इनकी डिटेल्स करेंगे, तो वो आपको क्लियर होती जाएगी। तो बेसिकली फोनेटिक्स के लिए याद ये रखना है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है फ़ोन, ठीक है। फ़ोन इज़ द यूनिट ऑफ स्पीच साउंड्स। नाउ कम टू द फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। जब हमने स्टडी किया था सिर्फ साउंड को इटसेल्फ, दैट इज़ अंडर द फोनेटिक्स। यूनिवर्सली हर साउंड जो है वो फोनेटिक में स्टडी होगी। जितनी पॉसिबल साउंड्स हैं जो ह्यूमन कैन प्रोड्यूस, उन सबको हम फोनेटिक्स में स्टडी कर सकते हैं। फोनोलॉजी क्या है? साउंड सिस्टम, साउंड पैटर्न को जब हम विद इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, जब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें हम ब साउंड को स्टडी करते हैं, हम रूल्स को स्टडी करते हैं कि कैसे कौन सी साउंड किसके साथ आ सकती है, कौन सी साउंड किसके साथ कंबाइन नहीं हो सकती, कौन सी साउंड शुरू में आ सकती है, कौन सी साउंड आखिर में आ सकती है। दीज ऑल आर कि विद इन आर लैंग्वेज सिस्टम जब हम साउंड को स्टडी करते हैं तो हम किस में करते हैं? फोनोलॉजी में करते हैं, ठीक है। हाउ द पर्टिकुलर साउंड यूज्ड इन ईच लैंग्वेज फॉर्म एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एनकोडिंग इंफॉर्मेशन, एंड हाउ सच सिस्टम डिफर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू एनदर। कि फोनोलॉजिकल सिस्टम एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज से डिफर कर सकता है। थर्ड ब्रांच ऑफ माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? कि द स्टडी ऑफ द वे इन विच वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ स्मॉलर यूनिट्स विच हैव अ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। अब मॉर्फीम इसका यूनिट होता है, मॉर्फोलॉजी का यूनिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? एनी स्मॉलेस्ट वर्ड और साउंड विच कैरी मीनिंग, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जो है वो आपका मॉर्फीम होता है। द स्टडी ऑफ द वे इन विच, अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके हम कैसे वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। द वर्ड फ्रेंडली इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्रेंड एंड द एडजेक्टिव फॉर्मिंग ली, ठीक है। फ्रेंड में, फ्रेंडली में दो वर्ड हैं बेसिकली, एक फ्रेंड है और एक सिलेबल आपका लगा है इसके साथ ली, इन दोनों ने मिलके बनाया एक वर्ड फ्रेंडली। तो देयर आर टू मॉर्फीम्स इन अ वर्ड फ्रेंडली। इंशाल्लाह इसको भी हम मॉर्फोलॉजी को एक लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्सिकोग्राफी, द कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज। अभी हमने पहले भी डिक्शनरीज की बात की थी। लेक्सिकन क्या होता है? बेसिकली किसी भी वोकैबुलरी को कहते हैं। लेक्सिकन क्या है? हमारी वोकैबुलरी। सो लेक्सिकोग्राफी कुड बी सीन एज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स क्या है? कि व्हेन वी
अप्लाई द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट फील्ड्स, जब हम उसे अप्लाई करते हैं इन द फील्ड, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाई लिंग्विस्टिक्स. नेक्स्ट ब्रांच इज सिंटैक्स, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंसेस एंड द रूल्स विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. हम सब ये जानते हैं कि सेंटेंसेस किससे मिलके बने, वर्ड्स से. वर्ड्स किससे मिलके बने, साउंड से. तो हम डिफरेंट साउंड्स कंबाइन करते हैं टू मेक वर्ड्स, फिर हम डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन करते हैं टू मेक द फ्रेजेस, एंड फ्रेजेस कंबाइन करते हैं टू मेक द सेंटेंसेस. सो वर्ड्स को कैसे कंबाइन करना है, ये हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं. ठीक है, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, सिंटैक्स में. सिमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग, हाउ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू द रियल और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स दे रेफर टू एंड द सिचुएशन दे डिस्क्राइब. अब हम जितने वर्ड्स बोलते हैं, हमारे पास उन वर्ड्स का एक मीनिंग होता है. ठीक है, मैं बोलती हूँ सेब, तो आपको पता है सेब का एक मीनिंग है. मैं बोलती हूँ, मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो आपके पास पहुँचा है और आपके पास उसका एक मीनिंग जा रहा है. तो जब हम वर्ड्स की लिटरल मीनिंग्स की बात करते हैं कि जो हमने एसोसिएशंस की हुई हैं किसी भी वर्ड के साथ उसकी मीनिंग की, तो वो हम सब किस में पढ़ रहे हैं, वो हम सब स्टडी किस में करते हैं, सिमेंटिक्स में करते हैं. ठीक है, अब रिलेटेड टू द रियल और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि देर आर सम थिंग्स जो कि हमारे पास कंक्रीट फॉर्म में होती हैं. ठीक है, उसके लिए हमने एक नाम रखा होता है. एंड देर आर सम एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग एसोसिएटेड विद दोज वर्ड्स. तो बोथ द इमेजिनरी एंड द रियल, बोथ वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी हमने वर्ड्स और सेंटेंसेस के मीनिंग रखे हुए हैं, दैट आर कॉल्ड या स्टडीड इन द सिमेंटिक्स. नाउ कम टू द प्रैग्मैटिक्स, द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन. प्रैग्मैटिक्स बेसिकली आपका है कि जो आपको लैंग्वेज आती है उसे आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करते हो, पर्टिकुलरली द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन इन विच दे आर यूज्ड, सच एज टाइम, प्लेस, सोशल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड हियरर, एंड स्पीकर्स अजम्पशंस अबाउट द हियरर्स बिलीफ. के हम जब अपने लैंग्वेज को सोशली यूज़ करते हैं, हम अपने मीनिंग्स कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रैग्मैटिक्स. देन कम टू द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स. अब आपकी माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस हो गई. नाउ सेकेंड पॉइंट ब्रांचेस में क्या था आपकी, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स. तो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में फर्स्ट ब्रांच इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स. सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोशल फैक्टर्स सच एज सोशल क्लास, एजुकेशनल लेवल, एज, सेक्स एंड एथनिक ओरिजिन. ठीक है, जब भी हम लैंग्वेज को डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स के देखते हैं, हम देखते हैं कि अफेक्ट ऑफ एनी सोशल एस्पेक्ट ऑन द लैंग्वेज यूज़. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं. हम डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. हम सेक्स को मद्देनज़र रखते हैं. हम अक्सर कहते हैं लड़कियों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लड़कों को. ये हमारा कल्चरल है. ठीक है, हमारी सोसाइटी का एक बिलीफ है. तो एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, डिफरेंट एथनिक ओरिजिन के हिसाब से, डिफरेंट सोशल पोजीशंस के हिसाब से, या आप कहें डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के हिसाब से, लैंग्वेज को जो वो अफेक्ट कर रही होती हैं, लैंग्वेज के यूज़ को सोसाइटी जहाँ अफेक्ट कर रही होती है, उसे हम कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हम सब ये चीज़ें स्टडी कर रही हैं. सच एरियाज एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चॉइस इन बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़, लैंग्वेज प्लानिंग और लैंग्वेज एटीट्यूड्स कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड. ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज डिफाइंस हु वी आर. हम ये कहते हैं ना कि बात करने से पता लगता है कि हम कहाँ के हैं या हम क्या हैं, या इस अगर हम ये बात करते हैं तो बेसिकली ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स में.
हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह की बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे अल्फाज का चुनाव चेंज हो जाता है, हमने रिक्वेस्ट करनी है हम और तरह से करते हैं, हमने ऑर्डर करना है हम और तरह से करते हैं। हम अब आप अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे तो आपके सलाम का या कम्युनिकेशन का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो आपका वर्ड्स का चुनाव, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा लैंग्वेज का वोकैबलरी क्या है, हमारे लैंग्वेज के एक्सेंट्स क्या हैं, ये सब सोसाइटी इनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अब वो डिफरेंट सिचुएशन में कर रही होती है, कभी वो डिफरेंट जेंडर के लिए कर रही होती है, कभी वो एज सेक्स, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक लेवल के हवाले से, और भी बहुत सारे, यहाँ पर सारे नहीं लिखे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सोसाइटी के जो हमारी लैंग्वेज को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, लैंग्वेज यूज़ को स्पेशली। तो वो हम ब्रॉडर लेवल पर जब हम अपने सोसाइटी, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, हमारे मल्टी कल्चरल बायलिंगुअल सोसाइटीज़ हैं, इन सब को हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, इन सब एस्पेक्ट्स को, तो इसको हम किसके अंडर लेकर आते हैं, इन सब को हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एथनोग्राफिक हैं हमारे डिफरेंट, वो सब इसके अंदर आते हैं। सेकेंड इज़ द डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सेंटेंसेस इन स्पोकन और रिटन लैंग्वेज फॉर्म लार्जर मीनिंगफुल यूनिट्स सच एज पैराग्राफ, कन्वर्सेशंस एंड इंटरव्यूज, ठीक है। बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है कि लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। अब एक चीज़ आपके पास लिखी हुई या किसी की बोली हुई है, आप किसी इंटरव्यू को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, एक है कि आपके पास लार्जर अमाउंट्स हैं किसी चीज़ की, आपको ये सिमिलरली ऐसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, प्रेसी राइटिंग करते हैं, कि पैराग्राफ पढ़ा और आपने उसका एसेंस निकाल लिया कि बेसिकली इसने राइटर उसमें पैराग्राफ में पूरे में क्या कहना चाह रहा है, खुलासा लिख लिया, ठीक है। एक आप इसको यूँ देख सकते हैं कि अगर आप किसी टीचर और किसी स्टूडेंट की कोई मीटिंग है टू डिस्कस अ बुक, ठीक है, एक बुक पर कोई तबसरा कर रहे हैं, ये एक बुक को डिस्कस कर रहे हैं कि एसेंस ऑफ द बुक क्या है, राइटर क्या कहना चाह रहा था, ठीक है, इसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम आप इसको यूँ देख लें कि इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस का पर्पस और अफेक्ट को जो है वो स्टडी करते हैं हम डिस्कोर्स एनालिसिस में, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान पाक की तफसीर है, डिफरेंट राइटर्स ने तफसीर लिखी है, डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें से, एक ही आयत का मफहूम जो है एक है, उसका मतलब मायने क्या है, तर्जुमा जो है वो हर आयत का एक है, लेकिन उसकी तफसीर में उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो के बियॉन्ड द लैंग्वेज क्या उसके मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है उससे हट के उसके क्या मीनिंग है, जब ये एनालाइज किया जाता है लैंग्वेज को, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। द अदर मीनिंग्स, द मीनिंग्स बिहाइंड द लैंग्वेज और यूज्ड इन द सेंटेंसेस, क्लियर, दिस इज डिस्कोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की नेक्स्ट ब्रांच है स्टाइलिस्टिक्स। बेसिकली ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच आती है, द स्टडी ऑफ दैट वेरिएशन इन लैंग्वेज विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन इन विच द लैंग्वेज इज़ यूज एंड ऑल्सो ऑन द इफ़ेक्ट द राइटर और स्पीकर विशेज टू क्रिएट ऑन द रीडर और हेयरर। अब लिखने वाला या कहने वाला, पढ़ने वाले और सुनने वाले पर क्या इम्पैक्ट डालना चाह रहा है, क्या इफ़ेक्ट डालना चाह रहा है, तो उसका राइटिंग स्टाइल या उसके बोलने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। जब हम इसको स्टडी करते हैं, इस वेरिएशन को स्टडी करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स नाम से जाहिर है, बेसिकली स्टडी द स्टाइल्स ऑफ द स्पीकर और द हेयरर। अब आप कोई बात सुने तो आप कहते हैं कि ये स्टाइल जो है ना ये वासिफ अली वासिफ का है, कोई पोइट्री सुने तो हम कहते हैं ये स्टाइल जो है ये अल्लामा इकबाल का शेर हो सकता है, ठीक है। उनके कंसेप्ट्स, उनकी जो लैंग्वेज है या उनका जो फ्लो है उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस राइटर का लिखा हुआ है। कोई बात कर रहा हो और आपको नज़र ना हो, रेडियो पे कोई बात कर रहा हो और आपको नज़र ना आ रहा हो, तो आप सुन के ये अंदाज़ा लगा लें
कि ये किसका स्टाइल है और ये कौन बोल रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स. स्टाइलिस्टिक्स ट्राई टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द पर्टिकुलर चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स इन देयर यूज़ ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, अब हम किसी की बातें सुनकर कहते हैं कि ये लगता है कराची का है. क्यों? क्योंकि उसने उसका स्टाइल जो है वो ऐसा है. ठीक है, तो इसको जो स्टडी करता है उसको हम कहते हैं स्टाइलिस्टिक्स. स्टाइलिस्टिक्स जो है वो स्पोकन को भी देखता है और नॉन लिटरेरी को भी देखता है, बट बेसिकली इसकी एक ब्रांच है लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स. तो बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स यूज़ ज़्यादा कहाँ होता है, ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, और कहाँ ज़्यादा अप्लाई होता है कि व्हेन वी यूज़ टू सी द लिटरेचर इन एनी लैंग्वेज. इंग्लिश अदब की बात करते हैं, उर्दू अदब की बात करते हैं, पंजाबी अदब की या फारसी अदब की. तो जब हम डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, डिफरेंट राइटर्स के स्टाइल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं स्टाइलिस्टिक्स. और ये आगे लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स द एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट अप्लाइंग लिंग्विस्टिक मेथड्स एंड थियरीज. ठीक है, उसमें फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस, प्रैग्मेटिक्स, एक ख़ास राइटर का ये सब स्टाइल्स, फोनेटिक्स उसने कैसी यूज़ की है, मॉर्फोलॉजी कैसी यूज़ की है, उसने सिंटैक्स कैसी यूज़ किया है, ये जब हम देख रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स. ठीक है, स्टडी ऑफ स्टाइल्स एंड टेक्स्ट एंड स्पोकन लैंग्वेज जो है वो आपके स्टाइलिस्टिक्स में आएगा, और जब हम लिटरेचर में उसको अप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग रिट्रीवेबल इंटरप्रिटेशंस विच अलाउ कंपैरिजंस ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट एंड जेनर्स. डिफरेंट जॉनर्स में जब हम फिक्शन को, ड्रामा को, पोइट्री को देखते हैं, जब हम कहते हैं कि नून मीम राशिद की नज़म का स्टाइल ये है, जबकि जॉन एलिया की नज़म का स्टाइल ये है, या हम ये कहते हैं कि अशफाक अहमद की जो राइटिंग स्टाइल्स हैं उनमें ये चीज़ कॉमन है, जब हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट राइटर्स के राइटिंग स्टाइल्स को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. ये सब चीज़ें हम देखते हैं लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स में. नेक्स्ट आ जाता है आपका साइकोलिंग्विस्टिक्स. साइकोलिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस अंडरलाइंग द प्लानिंग, प्रोडक्शन, परसेप्शन एंड कम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज. ठीक है, आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके रिलेशनशिप को, आपके बिहेवियर्स के रिलेशनशिप को आपके लिंग्विस्टिक्स से जब हम लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइकोलिंग्विस्टिक्स. द बेस्ट डिवेलप्ड ब्रांच ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. ठीक है, अब कैसे लैंग्वेज एक्वायर करता है, जब बच्चा हो, बच्चे में हो या बड़ों में हो, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपकी जो हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, अब सर्टेन वर्ड्स जो हैं वो हमें डिफरेंट, कुछ लोगों को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट्स. ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ अल्फाज जो हैं वो ट्रॉमा हो सकते हैं, सदमा हो सकते हैं. तो ये क्या होती है, आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है. साइकोलॉजिकली लैंग्वेज कैसे इफ़ेक्ट होती है ह्यूमन बीइंग्स पर, और स्टडीज़ ऑफ साइकोलॉजी या थेरीज जो हैं साइकोलॉजी की, वो कैसे ह्यूमन लैंग्वेज को अफेक्ट करती हैं. जब हम ये स्टडी करते हैं तो ये हम करते हैं अंडर द फील्ड ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स. देन इज़ द अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स टू सच एरियाज एज लैंग्वेज टीचिंग, नेशनल लैंग्वेज पॉलिसीज. हम लैंग्वेज टीचिंग के लिए अगर लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अप्लाई कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स को, तो ये हमारी अप्लाइड लिंग्विस्टिक इन द फील्ड ऑफ टीचिंग हो जाएगी. नेशनल लैंग्वेज पॉलिसीज बना रहे हैं, उसमें हमारे अप्लाई हो रही है लिंग्विस्टिक्स. ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, अभी मैंने कुरान ट्रांसलेशंस की बात की थी, हदीस की किताबें हैं, इंग्लिश नॉवल्स की ट्रांसलेशन, डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसलेशन. जब भी आप एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करते हैं तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो अप्लाई हो रही है. लैंग्वेज इन पॉलिटिक्स,
एडवर्टीजमेंट में, क्लासरूम में, कोर्स में. फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स होती है एक फील्ड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की, कि व्हेन वी यूज़ लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स. तो देर आर मैनी फील्ड्स जहाँ पर लिंग्विस्टिक के नॉलेज को, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, आप अप्लाई करते हैं. तो जहाँ आप अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन विच द टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज आर अप्लाइड टू द एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच. अब कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेंट मशीन ट्रांसलेशन में आप यूज़ कर रहे हैं, हम गूगल पर कुछ डालते हैं गूगल ट्रांसलेटर में और वो उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है. फिर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स हमने बनाए हैं, डिफरेंट AAC डिवाइसेस हैं जिसमें हम जो जदीद टेक्नोलॉजीज देते हैं फिर पेशेंट्स को जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं टू कम्युनिकेट, ठीक है. फिर टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसाइजर्स हैं, क्या आप बोलें तो वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए, या आप स्पीच बोलें आप टेक्स्ट डालें तो वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए, या आप बोलें तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए. फिर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं. इन सब में आप, ये सब किसके साथ हो रहा है, ये जब भी बात इनकी होगी तो ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक की फील्ड के अंदर हो रही है, ठीक है. देन कम टू द न्यूरो लिंग्विस्टिक्स. मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की एक और फील्ड है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स. न्यूरो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रेन. अब ब्रेन की बात हम आगे अभी करने लगे हैं, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका होगा कि हाउ ह्यूमन ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन लैंग्वेज एंड स्पीच. और ये आप लोग न्यूरोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में कम्प्लीट पढ़ के भी आए हैं, न्यूरोलॉजी ऑफ न्यूरल बेसिस आपकी जो है स्पीच और लैंग्वेज की. तो आपने ब्रेन पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में फ्रंटल लोब में आपका ब्रोकास एरिया है और आपके लेफ्ट टेम्पोरल लोब में आपका वर्निकिस एरिया है और दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन. तो बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक्स क्या स्टडी करती है, कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में डिस्टर्बेंस है या प्रोडक्शन में है कॉज्ड बाय डैमेज टू सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन. वो एरियाज क्या हैं? वर्निकिस एरिया और ब्रोकास एरिया और उसके साथ आपका आर्कुएट फेसिकुलस. अगर इन सब में डैमेज हो आपकी लैंग्वेज लूप में तो आपकी लैंग्वेज जो है वो अफेक्ट होगी. कैसे आपका ब्रेन या न्यूरोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है? तो जब भी लैंग्वेज जो है वो न्यूरो के साथ इंटरफेयर करती है, इस फील्ड को हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक्स. फिर आ जाता है कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स. कॉग्निशन आपको पता है सबको क्या है. तो जब कॉग्निटिव फील्ड के साथ लैंग्वेज जो है वो एसोसिएटेड होती है तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स. इज एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज दैट फोकसेस ऑन लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग एंड कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. तो जब भी हम लैंग्वेज को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मेमोरी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रीजनिंग के लिए और इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए यूज़ करते हैं, तो जहाँ ये इन रिलेशंस को जहाँ हम स्टडी करते हैं तो वो किस फील्ड में करते हैं? हम करते हैं कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स में. सो आज का लेक्चर था लिंग्विस्टिक्स, इट्स ब्रांचेस एंड इट्स स्कोप. सो हमने दो तरह से किया, एक हमने कहा कि लिंग्विस्टिक्स क्या है उसको डिस्कस किया, फिर हमने उसका जर्नल स्कोप देखा, फिर हमने जर्नल क्लासिफिकेशन की कि माइक्रो और मैक्रो ब्रांचेस हैं और हमने उनको डिटेल में देखा कि व्हाट आर द branches of micro linguistics and what are the fields in the macro linguistics. So hopefully आपको ये lecture समझ आ गया होगा. और अगर आपको नहीं आया कोई चीज़ समझ तो as usual मेरी offer जो है वो valid है, आप किसी भी time जो है वो मुझे WhatsApp पे contact कर सकते हैं. Thanks for your concentration and time.
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।